हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पार्ट टू, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से। कथन यहाँ पे बोला जा रहा है, सभी पेन कागज हैं, कुछ कागज ब्लेड हैं, सभी ब्लेड चाकू हैं। तो इसका सबसे पहले हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इन्होंने बोला है सभी पेन कागज हैं, तो आपने क्या क्या एक पेन का गोला बनाया और ये सभी के सभी पेन आपके कागज हो गए। इस तरीके से आपने सभी पेन कागज बना लिए। दूसरी लाइन में बोला जा रहा है कुछ कागज ब्लेड हैं, तो कुछ कागज ब्लेड हैं इसका मतलब आप क्या करेंगे, तो हल्का सा कट लगाएंगे कागज में और इस तरीके से आप कुछ कागज ब्लेड बना लेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है कि सभी के सभी ब्लेड जो हैं वो चाकू हैं, सभी ब्लेड चाकू हैं, तो आपने क्या किया, सभी ब्लेड चाकू बना लिए कुछ इस तरीके से, सभी ब्लेड चाकू हैं, ठीक है भाई। ये पूरा वेन डायग्राम आपका बन के तैयार होगा और इसको सभी बना लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसमें निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं। तो यहाँ पे पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ चाकू कागज हैं। पहले वाला निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ चाकू कागज है, तो ये वाला तो आपका सही हो जाएगा। देखिए कैसे, कागज और यहाँ पे चाकू में कुछ का रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ब्लेड का और चाकू का कुछ का रिलेशन है और सभी के सभी ब्लेड चाकू है, तो चाकू और कागज़ का भी कुछ का रिलेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले वाला तो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे वाला देखते हैं क्या है, कुछ ब्लेड पेन है। तो ब्लेड और पेन का कोई भी रिलेशन है यहाँ पर नहीं बताया गया है, ब्लेड अलग है और पेन अलग है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया है पूरे क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, तो आपका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। तो केवल वन ही निष्कर्ष आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डायरेक्शन से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। बैंक के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुँचती है तो उसका मुँह उत्तर की ओर होता है, ठीक है। बैंक के घर से चलने के बाद वह दो बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। बताएं कि बैंक के घर के सामने जब बस रुकती थी तब उसका मुंह किस दिशा की ओर था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लाइन वाइज पढ़ेंगे और इसको करते चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ तक आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं लेना है। बैंक के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुँचती है तो उसका मुँह उत्तर की ओर होता है, ये आपको हिंट दिया गया है यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि मैंग के घर से चलने के बाद वह दो बार दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से, मान लीजिए स्कूल मैंग का घर यहाँ पे है और स्कूल बस यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, दो बार दाईं ओर मुड़ेगी, ठीक है, यानी कि राइट साइड में मुड़ेगी। तो यहाँ से इसने राइट टर्न लिया, दाईं साइड मुड़ी, फिर एक और राइट टर्न लिया और फिर इस तरीके से चलना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है दो बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले एक बार पहले बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि स्कूल पहुंचने से पहले एक बार बाईं ओर मुड़ेगी। बताएं कि मैंग के घर के सामने जब बस रुकी थी तब उसका मुंह किस दिशा में था। तो बहुत ही मतलब सिंपल हो चुका है क्वेश्चन। अब वो स्कूल पहुंचने से पहले एक बार बाईं ओर मुड़ेगी, तो यहाँ दाईं दो बार दाईं तो हो चुका है, एक बार लेफ्ट साइड में मुड़ना यानी कि बाईं साइड में मुड़ेगी, तो ये यहाँ पे उत्तर डायरेक्शन हो गई, जो कि सबसे पहले लाइन में बता दिया गया था क्वेश्चन में कि जो स्कूल, देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ यहीं से। देखिए यहाँ पे जैसे बोला गया था मैंग के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुँचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे सेटिस्फाई की है कि यहाँ पे लास्ट टाइम बाएँ मुड़ने के बाद में स्कूल की बस यहाँ पे उत्तर की दिशा में है। अब मुझे ये बताइए कि जब स्कूल की बस चली थी तो वो किस डायरेक्शन में थी, यानी कि रुकी थी तो किस डायरेक्शन में मुंह था उसका, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। तो पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी। मैंने यहाँ पे वैसे आपको बता दिया है पूरा का पूरा, नीचे इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है टेलीग्राम का वहाँ से, ठीक है। तो इसका मुंह किस डायरेक्शन में था, पश्चिम में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तब बस का मुंह किस दिशा में था जब यहाँ पे बोला गया है घर के सामने रुकी थी, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे इसमें लिखा है फूल कली,
पौधा फिर किससे रिलेट करेगा? फूल से, देखिए कली से फूल बनता है, ठीक है, पहले कली आती है फिर उसके बाद फूल बन जाता है। उसी तरीके से आपका बीज होता है, जो बीज उससे पौधा बनता है, ठीक है, बीज आप बोते हैं उसके बाद ही तो पौधा बनता है। तो यहाँ पे ये किससे रिलेट करेगा? बीज से, तो बीज और पौधा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस वाली सीरीज की, तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा सा ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए एल का अगर मैं अपोजिट की बात करूँ तो एल का अपोजिट आपका होता है क्या? ओ, ठीक है, तो एल का अपोजिट आपका ओ हो जाएगा, और ओ में से माइनस टू करेंगे तो एम आ जाएगा। तो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात करें तो एल में आपने प्लस टू किया, या फिर आप इसी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे भी माइनस, सॉरी यहाँ पे इसका एन का अपोजिट एम होगा, माइनस टू करेंगे तो के हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ पे इसी तरीके से आप सीरीज बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये तो पता चल ही गया कि ये पी अपोजिट होता है किसके? के, और यहाँ पे माइनस करेंगे टू तो यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे कौन सी हम वो रखेंगे, यानी कि कौन सा अल्फ़ाबेट यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे। तो एल का और एन का अगर हम देखें, यहाँ पे एल एम एन प्लस टू चल रहा है, तो पी के बाद भी आप इसी तरीके से देखिए पी क्यू आर, यानी कि प्लस टू इसमें चल रहा है, तो यहाँ पे आर आएगा नेक्स्ट, ये तो हमें पता चल चुका है। अब आर में भी आपका क्या देखना पड़ेगा, आर का अपोजिट कौन सा होता है? तो आर का अपोजिट आई होता है, सभी को पता है। तो आर का अपोजिट इसमें सो रहा है, इसमें सो रहा है, ये दो दो कट ही जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी आपको देखना है आर का अपोजिट और माइनस टू, तो आई में से माइनस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा? जी बचेगा आपका, तो आर आई जी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक बार ट्राई करके देखिए ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो को रोक करके। यहाँ पे भी सीधा सीधा सा फंडा चल रहा है आपका, फाइव का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, फिर फाइव में प्लस वन कितना हो जाएगा 6, सिक्स का स्क्वायर 36, 36 प्लस वन, तो कुछ इस तरीके से चल रहा है, यानी कि पहले का स्क्वायर में प्लस वन करके स्क्वायर करना है और उसमें भी फिर प्लस वन करना है तो 37 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सात का स्क्वायर है ये, ठीक है, तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, एट हो जाएगा, यानी कि सेवन प्लस वन करेंगे तो एट का स्क्वायर प्लस वन, तो आठ अट्ठी चौंसठ प्लस एक कितना हो जाएगा 65, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरीके के भी कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आप उनको इजीली कर भी लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम से है, तो वेन डायग्राम में क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से किसके द्वारा कमीजें, चादरें और तौलिया प्रदर्शित किए गए हैं? यानी कि आपको एक वेन डायग्राम ऐसा बताना है जो कि कमीज, चादरें और तौलिया के बीच में रिलेशन बताए। अगर मैं बात करूँ तो कमीज, चादर और तौलिया तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, या किसी का किसी के साथ में रिलेशन है? नहीं, रिलेशन नहीं है। यहाँ पे एक रिलेशन बन सकता था अगर यहाँ पे बोला जाता कमीज, चादरें, तौलिया और कपड़ा, तो ये तीनों कपड़े से ही बनते हैं, तो इस तरीके से तो रिलेशन बन सकता था, बट ये तीनों के तीनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। कमीज अलग होती है, चादरें अलग होती है, तौलिया अलग होता है, तो यहाँ पे तीनों का कोई भी रिलेशन शो नहीं होना है। तो कौन सा ऐसा डायग्राम है जो रिलेशन शो नहीं कर रहा है? ये भी पूरा रिलेशन शो कर रहा है, ये भी दो के बीच में रिलेशन शो कर रहा है, ये भी, तो ये वाला आपका ए वाला जो है ये रिलेशन शो नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यही राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका आकृति वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं डेली, मतलब आकृति वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, तो आगे भी आ सकते हैं, आरपीएफ में भी पूछे जा सकते हैं, ग्रुप डी में भी आ सकते हैं, सॉरी एसएससी जीडी में, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करना है देख लेते हैं। इनको आप ऑप्शन से करते हैं, ठीक है, ऑप्शन से करेंगे तो बहुत ही आसानी से और बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं पढ़ के। प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में निहित है? देखिए ये आपको प्रश्न आकृति दे दी गई है ये वाली, और आपको देखना है कि ये इनमें से किस आकृति में एडजस्ट हो जाएगी, कौन सी आकृति में निहित है। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि आपको ये वाली आकृति बनाने के लिए दे दी जाए, तो इन कौन सी आकृति में से आप इसको बना सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बिल्कुल इससे डिफरेंट दिख रही है, दिखने में भी मतलब अलग ही लग रही है, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका जो ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है इक्वल है, बट इसमें ऐसा इक्वल नहीं है। एक साइड इसकी ये वाला जो ट्रायंगल वाला एरिया है ये आपका बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, ठीक है, तो ये वाला कट हो जाएगा। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, और इसका भी ये वाला जो ये वाला एरिया है ये भी डिफरेंट है, ठीक है, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बिल्कुल करेक्ट, अगर आप देखें इसको थोड़ा ध्यान से, तो ये बिल्कुल ये ही वाली आकृति बनी हुई है यहाँ पे,
तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगी, बट फिर भी आप नेक्स्ट वाली को चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट वाली इसमें नहीं होगी एडजस्ट, आप इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका ये वाला जो पोर्शन है ये बड़ा है और इसका ये बिल्कुल इक्वल पोर्शन है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप की क्वेश्चंस भी आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे इसमें बोला जा रहा है, एक निश्चित कोड पद्धति में मोक देन सिल, यानी कि इस कोड में क्या ऐसे अभिप्राय क्या है, नाइस बिग हाउस, फिर इस कोड से अभिप्राय हाउस इज गुड, और इस कोड से अभिप्राय कोस्ट इज हाई। तो उसी निश्चित कोड पद्धति में गुड के लिए क्या कोड है, गुड के लिए आपको बताना है कि इसमें कोड क्या यूज किया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी कोड दिया गया है, इस कोड के लिए क्या अभिप्राय है, ये इसका अर्थ है नाइस बिग हाउस, इसका अभिप्राय क्या है, हाउस इज गुड, और इसका अभिप्राय क्या है, कोस्ट इज हाई। तो यहाँ पे गुड के लिए हमें बताना है कि गुड के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है। आप क्या देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहली लाइन में देखिए, सबसे पहला वर्ड एम ओ के, यहाँ पे देखना है एम ओ के कहीं पे दूसरी लाइन में शो हो रहा है, तो अगर मैं देखूं तो किसी भी दूसरी लाइन में एम ओ के नहीं दिख रहा है तो छोड़ दीजिए। फिर देखिए आप डी ए एन, डी ए एन किसी दूसरी लाइन में है, तो हाँ बिल्कुल है, ये दूसरी लाइन में यहाँ पे है, तो हम इसको एक अलग ही किसी भी बॉक्स में अलग कवर कर देंगे, तो एक इस लाइन में है और तीसरी लाइन में ये नहीं शो हो रहा है। तो आप ये चेक करें कि इन दोनों लाइन में क्या चीज़ कॉमन है, इस लाइन में और इस लाइन में कौन सी चीज़ कॉमन है। तो अगर मैं देखूँ इसमें भी हाउस है, इसमें भी हाउस है, तो डी ए एन के लिए क्या कोड यूज हो गया, हाउस कोड हो गया। ठीक है, फिर एस आई टी देखे किसी दूसरी लाइन में है, तो यहाँ पे है, पहली में है, दूसरी में है, तीसरी में नहीं है, मतलब किसी भी दूसरी लाइन में नहीं है, बस पहली लाइन में है, तो इसको छोड़ दीजिए। तो हमें अभी तक डी ए एन का कोड मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एफ आई टी, एफ आई टी यहाँ पे है, एफ आई टी यहाँ पे है, तो इसको मैंने गोल कर दिया है। ठीक है, तो गोल करने के बाद में इन दोनों में देखिए इस लाइन में और उस लाइन में क्या कॉमन है, इस लाइन में उस लाइन में इज कॉमन है, तो इज के लिए आपका एफ आई टी फिट आपका हो गया कोड। ठीक है, अभी मुझे ये बताइए इस लाइन में क्या बचा है, गुड, और इस लाइन में क्या बचा है, कौन, के ओ एन, तो यही गुड के लिए कोड यूज हो जाएगा। तो बस यहीं पे आपका राइट आंसर आ चुका है। आगे का आप करके देख लीजिए, बाकी इसको ट्राई कर लीजिए, जैसे बाकी का क्वेश्चन वैसे करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक आपका हो चुका है, यही पूछा था, बट आगे भी आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधा फंडा इसमें यह है कि जो लाइनें दी गई हैं उनको लिखने के बाद में आपको पहले वर्ड से ट्राई करना है, और पहला वर्ड देखना है किसी दूसरी लाइन में शो हो रहा है क्या, अगर शो हो रहा है तो उनको किसी भी अलग गोले से कवर कर दीजिए, यानी कि इस साइड में भी और इस साइड में भी। फिर दूसरा वर्ड को देखिए, अगर किसी भी दो लाइन में है तो उसको भी एक अलग मतलब एक हाईलाइट कर दीजिए, किसी भी तरीके से गोल कर दीजिए, स्टार बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, तो आपको कोड मिल जाएगा। कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं होता इस टाइप का, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आपने वीडियो को लाइक शेयर कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।